हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द ललन टॉप। और ये है हमारी फुटबॉल की खास सीरीज जिसमें हम इस वर्ल्ड कप के बारे में और ओवरऑल फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं 90 मिनट इंडिया के एडिटर सूरज। तो सूरज हमको फुटबॉल के बारे में ढेर सारी जानकारी दे रहे हैं। पहले दो वीडियो आप देख ही चुके हैं। पहले वाले में हमने आपको फुटबॉल के नियम और उसके टर्म्स के बारे में बताया था। दूसरे वाले में हमने आपको इस वर्ल्ड कप के बारे में बताया जो रशिया में हो रहा है। 32 टीमें खेल रही हैं, 8 ग्रुप हैं, अभी क्वालिफायर्स चल रहे हैं, फिर उसके बाद नॉकआउट होंगे। इन सब चीज़ों के बाद अब हम इस बार बात करेंगे इस वर्ल्ड कप के ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में जो बन सकते हैं या टूट सकते हैं। पहले से सोच लिया गया होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ ये बनेगा, ये टूटने वाला है। तो सूरज आप बताइए कि इस बार क्या कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो अब इस वर्ल्ड कप की बात करें तो जो सबसे पहला रिकॉर्ड टूट सकता है वो लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के जो कैप्टन है, वो कैप्टन के तौर पर खेलेंगे। और अभी तक जो एक कैप्टन के रूप में सबसे ज़्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड है वो माराडोना के नाम है। अर्जेंटीना के ही माराडोना थे, इन्होंने 6 गोल्स किए थे एज अ कैप्टन वर्ल्ड कप में। एक ही वर्ल्ड कप में? नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड कप में 6 गोल एज अ कैप्टन के रूप में खेलते हुए, कैप्टन के रूप। तो इस बार मेसी जो है उनके नाम 5 गोल्स हैं ये, मतलब अभी तक एज अ कैप्टन। तो अब टोटल 5 गोल हैं और 4 इन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में दागे थे जब ये कैप्टन थे 2014 वर्ल्ड कप में। तो अगर इस वर्ल्ड कप में ये 2 या उससे ज़्यादा गोल कर लेते हैं तो माराडोना का रिकॉर्ड टूट जाएगा। एक कर चुके हैं? नहीं, कुछ नहीं किया अभी, कुछ मिस कर गए थे पेनल्टी। तो अगर ये मतलब गोल कर ले जाते हैं, 2 गोल कर लेंगे तो बराबरी हो जाएगी माराडोना की, अगर 3 कर ले गए तो रिकॉर्ड इनके नाम हो जाएगा। दूसरा जो रिकॉर्ड है वो डिफेंडिंग चैंपियन से जुड़ा है, थॉमस मुलर इनके स्टार स्ट्राइकर हैं, फॉरवर्ड है, मिडफील्ड में भी खेलते हैं, जर्मनी। ओके, तो थॉमस मुलर का क्या है कि इन्होंने अभी तक मतलब ये माफी चाहूंगा, ये हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम लोग उम्मीद करते हैं कि कई लोग ऐसे होंगे जो फुटबॉल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जान रहे हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए। तो ये मुलर जो है इन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप खेला है, दोनों बार 5-5 गोल किए हैं। Okay. और दुनिया में भी तो सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेयर हुए हैं जिन्होंने एक या उससे ज़्यादा वर्ल्ड कप में 5-5 गोल किए हैं। एक तो इन्हीं के देश के मिरास्लो क्लोसे हैं और दूसरे पेरू के तियोफिलो कुबिलास। इन दोनों ने अभी तक एक से ज़्यादा वर्ल्ड कप में 5-5 गोल किए हैं। तो अगर इस बार भी ये 5 गोल कर ले जाते हैं मुलर, जिसकी संभावना अभी तो मुश्किल सी लग रही है इनकी फॉर्म देखते हुए, तो अगर ये इस बार भी 5 या उससे ज़्यादा गोल कर ले जाते हैं तो ये ऐसे पहले प्लेयर हो जाएंगे जिसने 3 वर्ल्ड कप में लगातार 5 या उससे ज़्यादा गोल किया। और दूसरा जो रिकॉर्ड ये बना सकते हैं वो ये है कि इनके नाम अभी तक 10 वर्ल्ड कप गोल्स हैं और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप गोल्स का रिकॉर्ड है मिरास्लो क्लोसे के नाम, इन्हीं के देश के पूर्व प्लेयर हैं, उन्होंने 16 वर्ल्ड कप गोल्स किए थे। तो अगर ये 6 गोल कर लेते हैं, किसी खिलाड़ी ने नहीं किया। 15 रोनाल्डो ने किया था, असली वाले ने जो ब्राज़ील वाला था। तो अगर ये 6 या 7 गोल कर ले जाते हैं तो ये इनके नाम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप गोल्स भी हो जाएंगे। तीसरा जो रिकॉर्ड है वो ये है कि ऑस्कर तबारेज और फर्नांडो सांतोस, ये 2 मैनेजर्स हैं, कोच हैं, हेड कोच। तो ये तबारेज जो है उरुग्वे का है और सांतोस जो है पुर्तगाल का है। तो अभी तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप में, लेकिन अगर नॉकआउट में ये दोनों टीमें आपस में टकराती हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा रिकॉर्ड बनेगा कि मतलब जैसे होता है गोल का, असिस्ट का या मतलब रन का ऐसा। तो इसमें जो रिकॉर्ड बनेगा वो ये है कि ये दोनों मैनेजर जब एक दूसरे से भिड़ेंगे तो इनकी कंबाइंड एज मिला के एक साथ सबसे ज़्यादा होगी। अभी का जो रिकॉर्ड है वो ग्रीस के ओटो रेहार गेल और नाइजीरिया के लार्स लेगर बैग ने साउथ अफ्रीका में बनाया था 2010 में। उन दोनों की कंबाइंड एज जो थी 133 साल 9 महीने थी और इनकी हो जाएगी 135 साल 3 महीने। अच्छा, तो फुटबॉल में क्या इस चीज का भी ध्यान रखते हैं? हाँ, वर्ल्ड कप में, अरे वर्ल्ड कप में, हाँ अब हाँ कंबाइंड एज वर्ल्ड कप में तो ये हो जाएगा। क्रिकेट में भी रखते हैं, क्रिकेट में भी अगर रिकॉर्ड आप खोजना चाहेंगे तो मिल जाएंगे कि मतलब जब मेसी पोंटिंग और ये सचिन की टीम में भिड़ी है एज ए कैप्टन तो इनकी कंबाइंड एज कितनी थी, इसको जोड़ के। तो ये सब मतलब ये एक अरे ये अभी भी तो चला था जो आईपीएल में सीएसके के लिए चला था कि बूढ़ों की फौज। तो ये और उसके बाद यहाँ का मेक्सिको के जो कैप्टन है राफा मार्क्वेज, ये इस वर्ल्ड कप में सब्स्टिट्यूट खेले थे शायद पहले मैच में। तो अब इनके नाम ये रिकॉर्ड हो गया है कि ये 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और ये सिर्फ ऐसे तीसरे पूरी दुनिया के सिर्फ तीसरे प्लेयर हैं जिनमें 5 वर्ल्ड कप खेले, जिनमें से ये दूसरे मैक्सिकन हैं। कौन है पहले वाले? इनसे पहले जो थे वो एंटोनियो कारवाहाल थे, मैक्सिको के, इन्हीं के देश के, 5 वर्ल्ड कप खेले थे। और दूसरे जर्मनी के लोथार मथायस हैं, इन्होंने भी 5 वर्ल्ड कप खेले थे। तो अब दुनिया में 3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं सिर्फ। और चूंकि एक और हो सकते थे, जान लुइजी बुफों जो अभी इटली के गोलकीपर हैं, रिटायर हो चुके हैं,
लेकिन 98 वर्ल्ड कप में वो टीम में तो थे लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिला। तो वो काउंट होगा कि नहीं? नहीं काउंट होगा, उतरेंगे तभी। अब उतरेंगे तभी वाले मतलब ये बहुत मज़ेदार फैक्ट है इसमें वर्ल्ड कप का। अभी एक थॉमस वेरमाइलिन करके डिफेंडर है वहाँ बेल्जियम का, वो बार्सिलोना के लिए खेलता था। तो 2014-15 में बार्सिलोना ने चैंपियन लीग जीती, तो क्या हुआ कि ये बहुत कम खेला था या शायद खेला ही नहीं था उस टूर्नामेंट में, तो इसको मेडल दे के वापस ले लिया गया। बोला तुम दो, तुम नहीं खेले हो, हम जानते हैं तुम नहीं खेले हो। तो ये होता है। तो दिया क्यों फिर? अरे तो नहीं पता था ना, जब रिकॉर्ड देखे गए तो जैसे ये मिलता है कि इतने 20 मेडल हैं जिसको देना है दे दो, लेकिन जब देखा गया इसको भी मिल गया तो रिकॉर्ड चेक, भैया तुम तो खेले ही नहीं थे, तुम कहाँ ले रहे हो, दे दो। इसको चोट लगी हुई थी तो ये बाहर ही बैठा था, उसके बाद भी मिल गया तो फिर इससे वापस ले लिया गया। पांचवां ये जो रिकॉर्ड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना चुके हैं, ये लगातार मतलब ये 4 वर्ल्ड कप में स्कोर कर चुके हैं, ये इनके नाम रिकॉर्ड हो गए। आप खेले भी और आपने गोल स्कोर भी किया। वैसे तो इन्होंने कुल 6 ही गोल अभी तक मारे हैं वर्ल्ड कप में, इससे पहले 3 मारे थे, 7 गोल सॉरी, क्योंकि इससे पहले इन्होंने 3 गोल्स मारे थे और इस बार पहले मैच में 3 मार दिए, 6 हो गए, और दूसरे मैच में 1 गोल मारा। तो क्या पहले वाले निल थे? हाँ, 3 ही गोल कुल मारे थे इन्होंने 3 वर्ल्ड कप में। अब यही है देखो, वर्ल्ड कप इतना अलग हो जाता है कि मतलब क्लब लेवल पे एक इनका रिकॉर्ड देखो तो पर मैच 1 से ज़्यादा गोल्स किए इन्होंने रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन वर्ल्ड कप में 3 वर्ल्ड कप में 3 गोल थे इनके नाम। इस बार 4 सारे बड़े प्लेयर्स के बारे में ये, फिर उसके बाद वो आरोप लगते हैं कि आप देश के लिए अच्छा नहीं खेल रहे, आप लोग के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन होते तो देशद्रोही करा देते। तो ये इससे पहले 4 वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 प्लेयर ही गोल दाग पाए हैं, जर्मनी के 2 हैं यूएस सीलर और मिरास्लो क्लोस, और एक ब्राजील के पेले, बस 3 ही नाम है जो 4 वर्ल्ड कप में गोल कर पाए थे, लेकिन अब चौथा इनका हो गया रोनाल्डो का। और एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं टिम केहिल, अगर केहिल स्कोर कर ले जाते हैं तो उनके नाम भी ये रिकॉर्ड हो जाएगा 4 वर्ल्ड कप में गोल करने का। हाँ, एक क्यों जो भी क्यों। और ये जो आखिरी जो छठा रिकॉर्ड बन सकता है ये दिदियर देशांप कहते हैं, हाँ फ्रांस के जो कोच हैं दिदियर देशांप, इन्होंने एक प्लेयर के तौर पे वर्ल्ड कप जीत रखा है पहले से, अगर इस बार ये जीत जाते, अभी ये कोच हैं फ्रांस के, तो अगर कोच के तौर पे भी जीत जाते हैं तो ये सिर्फ जो है 3रे ऐसे प्लेयर हो जाएंगे, प्लेयर कोच हो जाएंगे जिन्होंने प्लेयर और कोच दोनों के रूप में वर्ल्ड कप जीता है। पहले 2 हैं मारियो जगालो और फ्रेंच बैकनबाउ, ये 2 प्लेयर और कोच के तौर पर जीत चुके हैं और ये भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे अगर फ्रांस वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो। ये बहुत हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। तो ये 6 रिकॉर्ड सूरज ने हमें बताए जो इस बार के रशिया वर्ल्ड कप में आप बनते टूटते देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, कोई गोल मार रहा है, किसी की कंबाइंड एज बहुत ज़्यादा है, कोई बताओ कोच भी जीत लेना चाह रहा है, इसमें चक दे इंडिया या नहीं, वो नहीं जीत पाया था, शाहरुख खान नहीं जीत पाया था बतौर प्लेयर। अच्छा हाँ, बतौर प्लेयर हार गए थे, उसके बाद फिर वो कसक निकालने के लिए पहुंचे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनाब तो जीत चुके हैं, देखते हैं फिर भी। बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो ये हमारा 3रा वीडियो था फुटबॉल के बारे में, हमने आपको बनने टूटने वाले रिकॉर्ड्स के बारे में बताया। आगे हम और भी वीडियोज लाते रहेंगे, आप बने रहिए द ललन टॉप के साथ। हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देखा है अभी तक पेज लाइक नहीं किया है तो पेज जरूर लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शुक्रिया।